जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कुछ दिन पहले ही भोजपुरी एक्टर और बीजेपी सांसद रवि किशन पर एक अपर्णा ठाकुर नाम की महिला ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा आरोप लगाया था और कहा था कि रवि किशन उनके पति हैं। रवि किशन ने उनसे 28 साल पहले शादी की थी, जिसके तमाम सबूत फोटोज के रूप में मेरे पास हैं, जो सोशल मीडिया में इधर उधर धड़ल्ले से वायरल भी हुए। यहाँ तक कि इस महिला की 25 साल की बेटी शिनोवा ने भी एक अपना वीडियो जारी कर रवि किशन को अपना बायोलॉजिकल पिता बताया है। आदरणीय श्री योगी जी, नमस्कार, मेरा नाम शिनोवा है। मैं आपके सांसद रवि किशन की बेटी हूँ और मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि आप मुझे और मेरी माँ को थोड़ा समय दीजिए। मैं आपको अपना सच बताना चाहती हूँ सबूतों के साथ, उसके बाद जो आपको सही लगे आप न्याय दीजिए। शुक्रिया। लेकिन अब मुंबई के दिडोंसी सेशन कोर्ट ने दोनों माँ और बेटी के सपने पर फिलहाल पानी फेर दिया है, क्योंकि कोर्ट ने इनकी वो याचिका खारिज कर दी है जिसमें इन्होंने मांग की थी कि रवि किशन अपना डीएनए टेस्ट करवाएं ताकि सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आइए आपको बताते हैं कोर्ट ने किस विनाह पर इन दोनों माँ बेटी की अपील खारिज कर दी है। दरअसल कोर्ट ने कहा कि रवि किशन और दावा करने वाली 25 साल की शिनोवा की माँ अपर्णा ठाकुर का रवि किशन से कोई पारिवारिक संबंध नहीं था, ऐसे में ये कोई मामला नहीं बनता। अभी कोर्ट के पूरे आदेश को जारी नहीं किया गया है। अब इस हाई प्रोफाइल केस में आगे क्या होगा ये तो कोर्ट ही तय करेगा जब कोर्ट का पूरा आदेश सामने आएगा। लेकिन इतना तो तय है कि अभी कुछ दिनों के लिए ही सही रवि किशन की मुश्किलें चुनाव के समय टल गई हैं, वो अलग बात है। अपर्णा ठाकुर और उनकी बेटी शिनोवा कोर्ट के इस फैसले के बाद शांत नहीं बैठेंगी। आपको बता दें, अपर्णा ठाकुर के रवि किशन पर बड़े विवादास्पद दावे के बाद रवि किशन की पत्नी प्रीति किशन ने उनके खिलाफ मानहानि का केस भी दर्ज कराते हुए अपर्णा ठाकुर पर तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रीति शुक्ला ने कहा, ये भी कहा है कि अपर्णा ठाकुर लंबे समय से हम लोगों को परेशान कर रही है, 20 करोड़ की मांग कर रही है। जब ये मांग हमने पूरी नहीं की तो अपर्णा ठाकुर ने रवि किशन पर गंभीर आरोप लगाए और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।